एम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअर साठी महत्वाकांक्षी। हॅलो डियर स्टुडंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अँड इन दॅट किंगडम मोनेरा वेअर द फाईव्ह क्लासेस आर प्रेझेंट इन किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा इन्क्लूड्स ऑल बॅक्टेरियाज मीन्स प्रोकॅरियोटिक सेल अँड दे आर क्लासिफाईड इन टू आर्ची बॅक्टेरिया, बॅक्टेरिया सायनो बॅक्टेरिया, ॲक्टिनोमायसिट्स अँड मायकोप्लाझम। सो दॅट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा ऑर द प्रोकॅरियोट्स, आर्ची बॅक्टेरिया, बॅक्टेरिया सायनो बॅक्टेरिया, ॲक्टिनोमायसिट्स अँड मायकोप्लाझम। नाऊ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द जनरल कॅरॅक्टर्स ऑफ द मोनेरा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल कॅरॅक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, जनरल कॅरॅक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। नाऊ फर्स्ट पॉइंट इज ऑल मोनेरन्स हॅव इव्हॉल्व्ड फ्रॉम एनिशियंट लाईफ कॉल्ड प्रोजिनोट। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव अँड इम्पॉर्टंट डिकम्पोजर्स अँड मिनरलायझर्स इन द बायोस्फिअर। सो दे हॅव इव्हॉल्व्ड फ्रॉम ऑल प्रोकॅरियोट्स, इव्हॉल्व्ड फ्रॉम एनिशियंट मतलब बहुत प्राचीन, प्रोजिनोट, प्रोजिनोट्स मतलब प्रिमिटिव लाइफ। दे आर प्रिमिटिव एंड इम्पॉर्टंट डिकम्पोजर्स, दे आर प्रिमिटिव एंड इम्पॉर्टंट decomposers and mineralizers। क्या मीनिंग है इसका कि बहुत पहले वो इस बायोस्फीयर में आ गए, वो इम्पॉर्टेंट विघटक है, decomposers है मतलब जो भी बायोलॉजिकल चीज है उसका पूरा बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करने का काम डिकम्पोजर का होता है। मिनरल्स जो सॉइल में तैयार होते हैं वो मिनरल्स तैयार करने का काम इनका होता है। सो बायोस्फीयर जो है इसमें उनकी ये भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे आर प्रिमिटिव एंड इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, दे आर प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव बहुत पहले से आए हैं, डिकम्पोजर्स है, मिनरलाइजर्स है बायोस्फीयर में। यूनिसेल्युलर कॉलोनियल और मल्टीसेल्युलर विथ प्रोकैरियोटिक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेल्युलर, दे आर यूनिसेल्युलर और कॉलोनियल मीन्स लिविंग इन अ कॉलोनीज, समटाइम मे बी अटैच्ड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर फॉर मल्टीसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। देन दे आर विदाउट प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड 9+2 फ्लैजेला। नाउ यू आर फॅमिलियर विथ 9+2 फ्लॅजेला। सो डिवाइड ऑफ मतलब विदाउट, दे आर विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट के सारे टाइप, प्लास्टिड्स के टाइप आपको सबको पता है वो, एंड 9+2 फ्लाजेला। फ्लाजेला कैसा होता है, 9+2 इनमें फ्लाजेला है लेकिन वो बिल्कुल अलग है,
9 प्लस 2 इस फॉर्मूला को वो फॉलो नहीं करता। अब 9 प्लस 2 क्या है हमें पता है, माइक्रोट्यूबुल की अरेंजमेंट रहती है, सेल चैप्टर जिन्होंने अटेंड किया है उनको ये समझेगा। देन न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म दियर न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोइड दियर न्यूक्लियस इज, सो ये भी सेंटेंस ठीक नहीं होगा कि दे आर विदाउट न्यूक्लियस, ऐसा हम कह सकते हैं दे आर विदाउट न्यूक्लियस, दे आर विदाउट न्यूक्लियस, दे आर विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये सब उनमें नहीं है। क्या क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक नहीं है, केंद्रक का आवरण नहीं है, केंद्रक द्रव्य नहीं है, केंद्रिका नहीं है। देन दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और बडिंग, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और बडिंग, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और बडिंग। प्रोटोसेक्सुअल फिनोमिनॉन इज फाउंड, प्रोटोसेक्सुअल फिनोमिनॉन इज फाउंड मीन्स टोटल एंटायर प्रोटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल प्रोसेस, सो प्रोटोसेक्सुअल फिनोमिनॉन इज फाउंड, प्रोटोसेक्सुअल फिनोमिनॉन इज फाउंड, प्रोटोसेक्सुअल फिनोमिनॉन इज फाउंड, प्रोटोसेक्सुअल फिनोमिनॉन इज फाउंड मीन्स प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल दे फ्यूज टुगेदर एंड देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, सो प्रोटोसेक्सुअल फिनोमिनॉन इज फाउंड। सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन्स आर एब्सेंट इन आर्चीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, सो सेल वॉल कंटेन, सेल वॉल कंटेन्स, सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन्स, पेप्टिडोग्लाइकन्स, सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन्स एक्सेप्ट आर्चीबैक्टीरिया, एक्सेप्ट आर्चीबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया जो है और ये माइकोप्लाज्म जो है उनमें ये नहीं है। क्या नहीं है? तो सेल वॉल ही नहीं है, या उसमें माइकोप्लाज्म में तो सेल वॉल नहीं होता और आर्चीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन ये केमिकल नहीं होता। दे आर नॉन मोटाइल और मोटाइल बाय बीटिंग ऑफ सिंपल फ्लाजेला और ग्लाइडिंग, दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल और मोटाइल विद द हेल्प ऑफ सिंपल फ्लाजेला मीन्स जिसमें 9+2 की अरेंजमेंट नहीं है, या सिर्फ ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग पता है आपको, तो ग्लाइडिंग करके वो आगे जा सकते हैं। देन उनमें एटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक ऐसे दोनों भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देते हैं, दे शोज एटोट्रॉपिक, दे आर एटोट्रॉपिक, एटोट्रॉपिक मतलब स्वयंपोषी और हेटरोट्रॉपिक मतलब परपोषी, दे आर एटोट्रॉपिक एज वेल एज फोटोट्रॉपिक। अभी देखिए एक एक कैरेक्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे, ये जनरल कैरेक्टर है, किंगडम मोनेरा के 5 टाइप है, आर्चीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स और माइकोप्लाज्म, और हम देख रहे हैं जनरल कैरेक्टर मोनेरा के, तो ऑल प्रोकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम एनेशियन प्रोजिनोट्स, मतलब जो पहले इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म आए या फिर जो पहला सेल बनने की प्रक्रिया थी
उससे ये बैक्टीरिया बन चुके हैं। दूसरा पॉइंट है दे आर प्रिमेटिव एंड इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स एंड मिनरलाइजर्स इन द बायोस्फीयर, मतलब वो पहले ऐसे डिकम्पोजर है, दे प्रिमेटिव है और मिनरलाइजर्स है। डिकम्पोजर का मतलब क्या, विघटन, मतलब किसी बायोलॉजिकल थिंग का पूरा डिग्रेडेशन करना, बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन करना, इसे कहते हैं डिकम्पोजर। और मिनरल तैयार करने वाले जो होते हैं उन्हें मिनरलाइजर्स ऐसा कहा जाता है। दे आर यूनिसेलर, मतलब एक पेशी है, या कभी कभी वो कॉलोनी में रहते हैं, या फिर मल्टी सेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन भी उनका हो सकता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के सिवाय है और उनमें 9+2 अरेंजमेंट का फ्लाजेला नहीं होता। दे आर विदाउट न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं है और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, मतलब अलैंगिक प्रजनन के द्वारा वो तैयार होते हैं, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म का ट्रांसवर्स बाइनरी, मतलब दो फीजन, मतलब टुकड़े होना, टुकड़े होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है उसके ट्रांसवर्सली दो पार्ट होते हैं, या फिर बर्ड तैयार होकर नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। प्रोटोसेक्सुअल फिनोमेना इज फाउंड, मतलब एक बैक्टीरिया दोनों का प्रोटोप्लाज्म एक साथ आएगा, इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेल वॉल कंटेंट पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल जो है उनमें पेशी भित्ति का उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लेकिन अर्ची बैक्टीरिया में और माइकोप्लाज्म में वो नहीं होता। दे आर नॉन मोटाइल, बट अगर मोटाइल होंगे वो तो वो सिंपल प्लाजेला या ग्लाइडिंग से होंगे। दे आर एटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, मतलब वो एक तो स्वयं पोषी है या वो परपोषी है। ओके, इस तरह से हमने जनरल कैरेक्टर या बैक्टीरिया के या किंगडम ओनिडा के या स्टडी किए। अभी एक एक करके हमें ये पूरे के पूरे सारे उनके टाइप जो है वो यहाँ स्टडी करने हैं। तो चलो पहला टाइप स्टडी करते हैं और वो है आर्ची बैक्टीरिया। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, हम पहला टॉपिक यूनिट यहाँ स्टडी कर रहे आर्ची बैक्टीरिया। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची का मतलब होता है प्राचीन, मतलब जो बहुत प्रिमिटिव है ऐसा। सो इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, दूसरा पॉइंट है दे आर फाउंड इन हार्श हैबिटेट्स, मतलब जहाँ कोई नहीं रह सकता ऐसी कंडीशन में वो रह सकते हैं। कि फाउंड इन हार्श हैबिटेट लाइक एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्शी एरियाज, दे आर फाउंड इन मोस्ट हार्श एरियाज लाइक, देखो पहला है हेलोफाइट्स, मतलब एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स कहा रहता है एक्सट्रीम साल्टी एरिया जहां बहुत नमक है। देन दूसरा हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफिल्स कहा रहता है हाई टेम्परेचर में, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है, हॉट स्प्रिंग्स जिसे हम कह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स मतलब बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जहाँ है वो यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं। देन मिथानोजेन मार्शी एरियाज, मिथानोजेंस जहाँ मार्शी एरिया है। देखो ये सब पर्पजली मैंने ये नोट्स अलग बनाए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में नीट के लिए जो कौन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बेस बैकग्राउंड एपेक्स होना चाहिए, और इसलिए मैं डिटेल में आपको दे रहा हूँ। अब उनमें पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, उसमें प्रोटीन
और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड होता है। अब ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो सकता है या नीट के क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आपको फेस करना पड़ेगा कि ये आर्चिबैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में या हाई सॉल्टी कंडीशन में क्यों रहते हैं। तो उसका आंसर ये है कि देयर सेल वॉल इज एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डायरेक्टली लिखते हैं इधर, दे आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस क्यों, बिकॉज देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ इज नॉट मेड अप ऑफ किससे नहीं बना है, तो पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बना है। इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टिडोग्लाइकन। एक एक छोटे छोटे लाइन आप लोगों के लिए नीट का एक एक प्रश्न के सॉल्व करने के लिए मददगार रहेंगे। पेप्टिडोग्लाइकन एंड इट कंटेन प्रोटीन एंड नॉन सेल्युलोजिक पॉलीसेकेराइड, इट कंटेन्स प्रोटीन एंड नॉन सेल्युलोजिक पॉलीसेकेराइड्स स्यूडो म्यूरिन इज फाउंड इन सम मिथानोजेन। और मिथानोजेन में क्या होता है, आर्चिबैक्टीरिया के मिथानोजेन हैविंग स्यूडो म्यूरिन केमिकल इन दियर सेल वॉल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। हम देख रहे हैं आर्चिबैक्टीरिया पहला बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोलॉजी है और हम चाहते हैं आपको कि ये आपके फ्यूचर में ये सारी चीज़ें बहुत अहम रहने वाली है और इसीलिए आपका अच्छा बेस तैयार हो। एनसीईआरटी या बोर्ड बुक इन दोनों में भी इतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूँ ताकि आप नीट के लिए तैयार हो। देखिए अब यहाँ हमने देखा कि आर्चिबैक्टीरिया जो है, दीज आर मोस्ट प्रिमेटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर फाउंड इन मोस्ट हार्श एरियाज लाइक हेलोफाइल्स जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, मिथानोजेन जो मार्सी एरिया में रहते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि बाकी के बैक्टीरिया तो ये सारे एडवर्स कंडीशन टॉलरेट नहीं कर सकते, तो फिर ये क्यों टॉलरेट करते हैं। तो उसका आंसर ये है कि उनके सेलवाल जो रहते हैं वो सेलवाल पेप्टिडोग्लाइकन से जो कि बाकी के बैक्टीरिया बने हैं उससे नहीं बने हैं। तो फिर किसे बने हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ दी प्रोटीन एंड नॉन सेल्युलोजिक पॉलीसेकेराइड और मिथानोजेन में स्यूडो म्यूरिन प्रेजेंट है। तो ये याद आप रखिए साइंटिफिक रीजन, और इस तरह के साइंटिफिक रीजन को याद करोगे तभी जाके एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो फाइनल में। देन उसके बाद हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन्स आर आर्चिबैक्टीरिया के प्रेजेंस ऑफ ब्रांचड चेन लिपिड विच मेक देम रेजिस्टेंट टू हीट एंड पीएच। अब ये तो सेलवॉल की बात हो गई, लेकिन
दूसरी एक बात ऐसी है कि तो दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन. हम ये तीसरा पॉइंट लेंगे, उसका पहला रीजन लेंगे ए, बिकॉज देयर सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और बी लेंगे सेल वॉल कंटेंस, ऐसा लेंगे सेल वॉल, आपको भी लिखना है कंटेंस प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, और फिर सी लेंगे मिथैलोजेंस हैविंग सिडोम्यूरिन इन देयर सेल वॉल, और मैं डी यहाँ लिखूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन किसका, आर्ची बैक्टीरिया का, इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड, इट इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, लिपिड्स विच मेक देम रेजिस्टेंट टू हीट एंड लो पीएच, देम रेजिस्टेंट टू हीट एंड लो पीएच. ओके, तो इस तरह से यह आर्ची बैक्टीरिया है, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है बैक्टीरिया का, दे आर फाउंड इन मोस्ट हार्श एरियाज लाइक हेलोफाइल्स, दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम साल्टी एरिया, थर्मो एसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, मिथैनोजेन, मार्सी एरियाज, दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन. क्यों, क्या रीजन है, लिख के लीजिए, मैंने जिस प्रकार से दिया है उस तरह से लिखिए. दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज दियर सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लाइक अनादर बैक्टीरिया. दूसरा कारण ये है, सेल वॉल जो है उनका, इसमें प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड रहते हैं. तीसरा कारण है, मिथैनोजेन में सिडोम्यूरिन रहता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ब्रांच चेन लिपिड विच मेक देम रेजिस्टेंट टू हीट एंड द पीएच, हीट एंड लो पीएच. ओके, अभी तीन ग्रुप है आर्ची बैक्टीरिया के, वो हमें स्टडी करने हैं, तीन ग्रुप्स है. पहला ग्रुप क्या है, तो पहला ग्रुप है मिथैनोजेंस, ये आपको आगे बहुत अहम रहने वाला है. तो दे आर एनारोबिक बैक्टीरिया, देखो कैसे बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते रेस्पिरेशन के लिए, मडी एरियाज में, और स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल, स्टमक तो पता है आपको, रूमिनेंट मतलब रवंत करणारे प्राणी, मतलब एकदमच खाऊन रात्री परत पुन्हा ते बाहेर काढून ते चावत बसणारे जे प्राणी असतात, ते काय, म्हैस बैल जे असतात त्यांना कॅटल म्हणतो आपण, किंवा शेळ्या मेंढ्या यांच्या जठरामध्ये म्हणजे स्टमकमध्ये हे बॅक्टेरिया असतात, वेअर सेल्लोज जो आहे त्याचं फर्मेंटेशन होतं आणि मग त्यापासून मिथेन तयार होतो, म्हणून त्यांना मिथॅनोजेन असे म्हणतात. सो आर दे आर अन एरोबिक बॅक्टेरिया. एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मडी एरिया, म्हणजे जिथे फार चिखल आहे असा, और रुमिनंट इन और इन स्टमक ऑफ रुमिनंट्स ऑफ कैटल्स, ruminants of cattle, muddy areas or in stomach of ruminants of cattle. वाक्य व्यवस्थित समजून घ्या, जठर कोणाचं, ruminants रवंत करणारे प्राणी असे कोण आहेत, गाय गुरे म्हैस शेळी मेंढी, and where cellulose is fermented by microbes to produce methanogen, where
सेलुलोज इज फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस मीथेन गैस. ओके, तो ये हुआ मिथेनोजेंस. अब दूसरा जो है वो है हैलोफाइल्स. अब हैलोफाइल्स क्या है? तो हैलोफाइल्स आर आल्सो एनएरोबिक, मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनएरोबिक बैक्टीरिया विच ऑकर इन एक्सट्रीम सलाइन और साल्टी कंडीशंस अप टू 35% ऑफ सॉल्ट और एनएसीएल इन कल्चर मीडियम. दे आर एनएरोबिक बैक्टीरिया. These are anaerobic bacteria and which occur in extreme saline or about 35% of medium, 30% salt present in culture medium. तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको, जहां एक्सट्रीम सलाइन या बहुत ज्यादा सॉल्ट है ऐसे कंडीशन में वो रह सकते हैं. देन थर्मो एसिडोफाइल्स, लास्ट वाला जो है थर्मो एसिडोफाइल्स. देखो थर्मो मतलब क्या, हाई टेम्परेचर में रहने वाले. दे एरोबिक बैक्टीरिया है. देखो ये एरोबिक है, ये याद रखना है आपको, उनको ऑक्सीजन चाहिए. एरोबिक मतलब ऑक्सीजन. मिथेनोजन कैसे? एनएरोबिक. और हैलोफाइल्स कैसे? एनएरोबिक. लेकिन ये थर्मोएसिडोफाइल्स कैसे? एरोबिक. फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग 80°C. फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स 80°C. देखो 80°C का पानी मतलब उबला हुआ पानी जो रहता है, इस कंडीशन में वो मतलब हॉट सल्फर कंडीशन में वो रह सकते हैं. दे हैव एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज सल्फर टू H2SO4 एट हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी. सो दे कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर and high acidity and oxidize SO2 to form H2SO4 sulfur dioxide. H2SO4 वो तैयार कर सकते हैं. And hence given thermoacidophile that is temperature and acid loving. So it is temperature and acid loving. Temperature and acid loving. Okay. अब ये जो organism है, sometime they able to reduce the sulfur to H2SO hydrogen sulfide under anaerobic condition also, मतलब oxygen के सिवाय. तो देखिए पहला point हमने यहाँ discuss किया, Archaebacteria most primitive group of bacteria, they are found in most harsh areas. मग हॅलोफाइल्स असतील, थर्मोएसिडोफाइल्स असतील, मिथेनोजन असतील, तर ते अशा कंडिशनमध्ये कसे सर्वाइव होऊ शकतात? कारण त्यांचा सेलवाल जो आहे तो पेप्टिडोग्लायकनने तयार झाला आहे. सेलवालमध्ये प्रोटीन आणि सेलवालमध्ये पेप्टिडोग्लायकन नाही, प्रोटीन आणि नॉन सिलिक पॉलिसेकेराइड आहे. मिथेनोजनमध्ये सिडोम्युरिन आहे आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ब्रांच चेन लिपिडने तयार झाला आहे. त्यानंतर मिथेनोजन आहेत, हॅलोफाइल्स आहेत, थर्मोएसिडोफाइल्स आहे. मिथेनोजेन दे आर एनरोबिक बैक्टीरिया, मडी एरियाज आणि रुमिनंटच्या स्टमकमध्ये ते राहतात, मिथेन तयार करतात. हॅलोफाइल एनरोबिक बैक्टीरिया आहे, ते एक्सट्रीम सलाइन कंडिशनमध्ये राहतात. आणि थर्मोएसिडोफाइल्स 80°C टेम्परेचर शिवाय हाय ॲसिडिक कंडिशनमध्ये राहू शकतात. हे नॉलेजसाठी तुमच्या पुढचे कोणतेही MCQ 11वी पहा, फार महत्त्वाचा भाग असतो. नीट समजून घेतलं तरच नीटची परीक्षा देता येईल. हा फार महत्त्वाचा पार्ट आहे, व्यवस्थित समजून घ्या, अभ्यास करा व्यवस्थित. ओके, बाकीचा पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरला पाहू. थँक्यू व्हेरी मच. जीवशास्त्र हा आहे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया, तेव्हा
इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या आणि 11वीपासून पीसीबी ग्रुपकडे झुकणाऱ्या ही आहे सुवर्ण संधी. कोरोना सुटीच्या काळात थांबणार नाही तुमची ट्यूशन, कारण गेल्या 20 वर्षांचा सहज सोप्या पद्धतीनं बायोलॉजी शिकवण्याचा अनुभव असलेले आणि आजवर हजारो विद्यार्थी विद्यार्थिनींना मेडिकलला प्रवेश मिळवून देणारे प्राध्यापक रवींद्र काळे यांची ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी सुरू करत आहे इयत्ता 11वी बायोलॉजीची ऑनलाईन स्पेशल बॅच. तेव्हा अगोदर या नंबरवर फोन करा. ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील दिनांक 11 मे 2020 पासून. ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्वाकांक्षी.